कल की मैंने मेरी वीडियो में बताया कि कंगाल डॉग कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे इंडियन डॉग ब्रीड, चाहे इंडियन मैस्टिफ हो या कोई दूसरी ऐसी डॉग ब्रीड है जो कंगाल को फेस कर सकता है, कंगाल से फाइट कर सकता है, कंगाल को मार सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस जर्नी के साथ, इस चैनल के साथ, द मिस्टीरियस साइंस ऑफ डॉग्स। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कंगाल के बारे में और कंगाल से कौन डॉग फाइट कर सकता है। तो कंगाल के बारे में मैंने मेरी वीडियो में बता दिया कि कितना पावरफुल डॉग ब्रीड है। अब इसे फाइट कौन सी डॉग ब्रीड कर सकती है? क्या इंडियन मैस्टिफ इसे फाइट कर सकता है, इसको मार पाएगा? तो अब हमें हमारी इंडियन ब्रीड पे प्राउड होना चाहिए। हमारे इंडियन डॉग हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें एक लॉजिक वाले दिमाग से भी सोचना पड़ेगा। हमें आवेश में नहीं आना, ठीक है? और इस चैनल के ऊपर आपको रियलिटी ही बताई जाएगी कि किस तरीके से कौन सा डॉग किससे फाइट कर सकता है। तो इंडियन मैस्टिफ जो डॉग ब्रीड है, वो अगर हम दोनों के हाइट की बात करें तो लगभग लगभग सिमिलर ही हाइट होती है दोनों डॉग की, कंगाल हो चाहे इंडियन मैस्टिफ हो। बॉडी वेट भी सिमिलर है, लेकिन कंगाल का बॉडी वेट ज़्यादा चला जाता है। अब बात करते हैं बाइट फोर्स की। तो बाइट फोर्स कंगाल की जितने भी डॉग हैं उनमें सबसे पावरफुल है। क्या इंडियन मैस्टिफ की बाइट फोर्स मापी नहीं गई है आज तक? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन मैस्टिफ डॉग ब्रीड की भी बाइट फोर्स मापी गई है, लेकिन अभी उसका जो रिकॉर्ड है वो लीगली गूगल पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है? कुछ अपने पर्सनल रीजन होते हैं हर किसी के। तो एक इंडियन मैस्टिफ की बाइट फोर्स कितनी हो सकती है? तो अगर हम जैसे फाइट देखते हैं पिटबुल के साथ, तो पिटबुल की जो बाइट फोर्स है वो 235 PSI है। तो जब पिटबुल के साथ एक इंडियन मैस्टिफ की फाइट होती है तो दोनों की जब बाइट अगर मापी जाए तो लगभग लगभग सिमिलर होती है। कुछ इंडियन मैस्टिफ ऐसे होते हैं जो अलग ब्लड लाइन के होते हैं, ठीक है? उनका जो बॉडी टाइप है वो अलग होता है, तो उसके हिसाब से जो उनकी बाइट फोर्स है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो अगर हम कंपेयर करें कि किस डॉग के बराबर एक इंडियन मैस्टिफ की बाइट फोर्स है, तो इंडियन मैस्टिफ की जो बाइट फोर्स है वो लगभग लगभग रॉटविलर के बराबर है, ठीक है? यानी कि पिटबुल से ज़्यादा है और रॉटविलर के बराबर है। तो यदि इनकी कंगाल की और इंडियन मैस्टिफ की फाइट होती है तो बाइट के मामले में कंगाल आज भी अभी भी बहुत आगे है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स वाला डॉग है, ठीक है? इंडियन मैस्टिफ का एक टाइम था, एक हिस्ट्री थी। जैसे अब हिस्ट्री में हम देखें कि जो अकबर था उसके टाइम में भी इंडियन मैस्टिफ थे। अकबर अपने पास रखा करता था शिकार पे लगाने के लिए, तो उसे एक टाइम था, ठीक है, जब वो शिकार पे काम किया करता था, वाइल्ड एनिमल से फाइट किया करता था। बट आज के टाइम में ये चीज़ नहीं होती इंडिया में। तो आज के टाइम में इंडियन मैस्टिफ मोस्टली फार्म हाउस की सिक्योरिटी के लिए, बड़े खेतों की सिक्योरिटी के लिए ही रखे जाते हैं। लेकिन जो कंगाल है वो टर्किश में आज भी, पहले भी वो वाइल्ड एनिमल्स से फाइट करता था कैटल्स की सेफ्टी के लिए, और आज भी करता है, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस जगह बार 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 कोई घटना घटती रहती है, फिर वहाँ के लोग उसके हिसाब से ढल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग उसी हिसाब से बने हैं। अगर हम अमेरिका या यूके की बात करें तो वहाँ ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग उस हिसाब से बने हैं, ठीक है? इसी तरीके से टर्किश के अंदर शुरू से वाइल्ड एनिमल का खतरा बना रहता था, बियर का, लेपर्ड का, वुल्फ का, है ना? तो कैटल्स के ऊपर हमला कर देते थे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कंगाल रखे जाते थे, और वो आज भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मैस्टिफ जो डॉग ब्रीड था वो पहले फाइट किया करता था वाइल्ड एनिमल से, आज के टाइम में वो सिचुएशन नहीं है भारत में। तो आज के टाइम में काफ़ी हद तक जो इंडियन मैस्टिफ है वो एक हंटिंग डॉग ना होके थोड़े फैमिलियर टाइप होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुए, क्योंकि आज भी इनलीगल फाइटिंग होती है डॉग की, डॉग वर्सेस डॉग, जो एक गलत काम है, नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर हम क्रूरता की बात करें तो कैंगल नो डाउट बहुत ज़्यादा क्रूर डॉग है, ठीक है? अगर इनकी फाइट होती है तो कोई इसमें शक नहीं है कि कैंगल जीतेगा, ठीक है? और कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन मैस्टिफ कैंगल को मार सकता है, नहीं मार पाएगा। तो इसका मतलब हमारे इंडिया के पास या कोई भी ऐसी डॉग ब्रीड नहीं है जो कैंगल से फाइट कर सके, ऐसा भी नहीं है। एक डॉग ब्रीड है जो भारतीय डॉग है, पूरी तरीके से स्वदेशी है और कंगाल को फाइट कर सकती है, उसको मार भी सकती है। वो है हिमालयन गद्दी, या जिसे भूटिया डॉग कहा जाता है।
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हिमालयन गद्दी डॉग भी भारत से ज़्यादा नेपाल में पाला जाता है। नेपाल में जो शिप्स होती है उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है हिमालयन गद्दी, और वो सिक्योरिटी लेपर्ड से भी करता है, लेपर्ड को भी मार देता है। ठीक है, तो एक हिमालयन गद्दी डॉग ऐसा है जो कंगाल से फाइट कर सकता है और कहीं ना कहीं कंगाल को मारने की ताकत रखता है। तो क्या इंडियन मैस्टिफ जो डॉग ब्रीड है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो कंगाल को नहीं मार पाएगा? तो वो कंगाल को मार सकता है जब जब हम उसकी ब्रीडिंग में इंप्रूवमेंट करें। यदि कोई ब्रीडर भाई जो इंडियन डॉग ब्रीड को प्रमोट कर रहा है वो यदि ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो इंडियन ब्रीड है ना उनके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट कीजिए, उनको पावरफुल बनाइए, थोड़ा उनका टाइप अलग कीजिए। तो जब इंडियन मैस्टिफ की ब्रीडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, या तो वो आगे जैसे थोड़े अलग बने, या फिर उनमें जो पुराना जो ब्लड था जो एक हंटिंग डॉग वाला था वो वापिस आए। ये दो सिचुएशन जब बनती हैं तभी कहीं जाके एक इंडियन मैस्टिफ कंगाल को मार पाएगा। और यदि पुराना ब्लड वापिस आता है जो काफ़ी साल पहले था, जो हंटिंग में ज़्यादा यूज में आते थे इंडियन मैस्टिफ, वो वाले वापिस आते हैं, तो हाँ नो डाउट एक इंडियन मैस्टिफ कंगाल को मार पाएगा। बट जो करंट में जो इंडियन मैस्टिफ चल रहे हैं वो कंगाल को नहीं मार सकते। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,